नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल पहुंचे सिरसा। कालवाली विधानसभा के विभिन्न गांव का किया दौरा। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए विपुल गोयल ने दिया एक बड़ा बयान। सिरसा, रोहतक, सोनीपत सहित प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा करेगी जीत हासिल। बोले, अब की बार न जाति पाति और न ही क्षेत्रवाद, बल्कि जनता राष्ट्रवाद को वोट करेगी। इनेलो व जेजेपी पर भी बड़ा बयान दिया। इनको बताया परिवारवाद की पार्टी। लोगों ने पूरी तरह नकारा परिवारवाद को। लोग इन परिवारवादी पार्टियों को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल आज सिरसा में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के समर्थन में कालावाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गाँव का दौरा किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की भी अपील की। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म का साथ दे दो, अपने आप अधर्म पराजित हो जाएगा। इनेलो ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है, कभी सिरसा के लोगों का भला नहीं किया। इनेलो ने सिर्फ डराने और धमकाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ है और साथ ही रहेगी। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के अंदर फरीदाबाद से लेकर सिरसा तक सभी लोकसभाओं में मेरा जाना हुआ और लोगों के अंदर भारी कहते ना जोश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकास का खाका राष्ट्रवाद है, उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं और भारी मतों से हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। आपने देखा किस तरीके से विपक्ष की बातें, विपक्ष की कहनी और कथनी में क्या अंतर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से हों, चाहे यहाँ से अशोक तंवर हों, चाहे रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हों, ये लोग जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस फेस को लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी की। अभी 4 दिन पहले मैं अमेठी के अंदर था तो इनके जो प्रधान और जो मुखोटा जिसके नाम पर ये वोट मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अमेठी से हारने जा रहा है, उसका भी किला ध्वस्त होने जा रहा है। चाहे सोनीपत की सीट हो, चाहे रोहतक की सीट हो, चाहे सिरसा की सीट हो, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। अब की बार ना जाति पाति पर, ना क्षेत्रवाद पर, ना परिवारवाद पर, सिरसा की जनता इस राष्ट्रवाद पर और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताकर भेजने वाली है। एक राष्ट्रवाद से मतलब है पूरे राष्ट्र का समग्र विकास। 130 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं जो समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करती हैं, उसके बाद हमारी सीमाओं की सुरक्षा, उसके साथ अंतरिक्ष की सुरक्षा, एक समग्र राष्ट्र निर्माण की नीति लेकर, चाहे हमारी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके अंदर भी जो देश की विश्व की सबसे बड़ी 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 6ठे पायदान पर आ गए। सब तरीके से राष्ट्र को निर्माण करने का जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसे राष्ट्रवाद, उसी राष्ट्रवाद पर लोग वोट डाल रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये लोग अच्छे तरीके से समझ गए, ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, कोई ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, एक पारिवारिक ढांचा है जो कि बिखर चुका है। लोगों ने इसे नकार दिया है। आज रोड़ी हलके के कई सारे गांवों के अंदर, हर गांव में 10-15 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अभी लास्ट गांव, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, तो पूरे के पूरे गाँव वासियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह, बहुत जोश है कि हम इस क्षेत्रवाद से, इस परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं। और 4.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरीके का विकास सिरसा के अंदर किया, तो वो लोग उसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसने लोगों का आस्था प्रदेश और देश की सरकार के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी।